असलकम दोस्तों अपारा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक दफ़ा फिर से हम वेलकम करते हैं और ये चूंकि ये जो आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है एयरबर्ड की जो आडियोनिक का है ये बेसिकली हमारा आइटम नहीं है लेकिन मैंने आज ये मंगवाया था तो सोचा कि जो व्यूवर्स है उसके लिए इसको अनबॉक्स करके रिव्यू इसका कर दूँ कि जो मैंने चीज़ ऑर्डर की थी क्या आया वही ये चीज़ आई है और इसकी क्वालिटी कैसी है ठीक है तो ये इसके बारे में मैं एक और भी आपको जब मैं इसको यूज़ करूंगा आप सबकी कॉल्स में इसी से सुनूंगा तो आपको इसका मज़ीद भी मैं बेहतर बता सकूँगा कि क्या ये जो है वाकई कोई ऐसी चीज है जिसको आप खरीद सकते हैं या इसका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं आडियोने का ये जो है एयरबर्ड वन प्लस जो है इसमें एयरबर्ड टू भी आ रहा है जो आ, वो उसके साथ जो है ये जो माइक इसके होते हैं वो दो होते हैं ठीक है जो आ, इसके साथ माइक आ रहा है तो आइए ये ये वाला जो है आ, जो बीटी वर्जन के साथ है तो इसको खोलते हैं कि ये मतलब इसके अंदर क्या चीज है और आ, इसको जो है यूज़ हमने कैसे करना है ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर आज हम बताएंगे तो अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूँ ठीक है जी तो ये आपको नजर आ रहा है सॉरी ये आज मेरा मैं खुद ही बना रहा हूँ मैंने चूंकि खुद खोलना है इसको तो सबसे पहले ये जो है ना सिलिकॉन की इसकी आ, ये मिल जाती है इसके साथ आ, जो बैग है जिसके अंदर आपने इसको रखना है ये आपको नजर आ रहा है बड़ा खूबसूरत ठीक हो गया जी इसके साथ साथ ये जो है जनाब इसकी जो चार्जिंग जेक है और इसके अंदर इन्होंने माइक लगाया हुआ है ये आपको नजर आ रहा होगा ठीक है जी इसको जब आप लगाते हैं इसके अंदर ठीक है जी अपनी जगह पे इसको रखते हैं तो ये चार्ज होना शुरू हो जाता है ठीक है जो लाइटिंग लाइटिंग इनपुट इसका है वो आईफोन का इन्होंने रखा है इसके साथ ये आपको नजर आ रहा है ये आप देख सकते हैं इसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं जो इसका चार्जिंग जैक है ये बेसिकली बैग भी इसका है और चार्जिंग जैक भी है तो इसके साथ आप इसको चार्ज कर सकते हैं ठीक है ये इजी कैरी करने के लिए इन्होंने इसके साथ ये भी रखा है कि आप उसको जो है ये जो इसका सिलिकॉन बैग है इसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं तो ये तो इसका जो है आ, मतलब जो जो आइटम थे वो है इसके साथ अंदर चूंकि कंपनी इसकी वन ईयर की वारंटी भी दे रही है तो साथ इन्होंने वारंटी कार्ड भी मुझे भेजा है एयरबर्ड वन प्लस ठीक है जी आप बाकी इसके आडियोनिक उसके ऊपर जाके ये पढ़ भी सकते हैं वारंटी के क्या क्या डिटेल्स है ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें रख दी है आ, इसका जो है बेसिकली इसका मकसद रिव्यू नहीं करना था आपको सिर्फ बताना था रिव्यू तो इसका मैं तब कर सकूंगा जब मैं उसको यूज़ करूंगा ठीक है इसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो मैंने जो देखा है वो ये है कि इसको आप चार्ज करें जब आप इसको चार्ज करेंगे ये एक्सेंसीबल टच के साथ है ठीक हो गया जी यहाँ से जब आप इसको चार्ज करके खोलेंगे ठीक है तो ये जो है जनाब आप कान में जैसे ही लगाएंगे और ब्लोटो तान करेंगे तो ये आपके जो है आ, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा जब आप इसको उतार के रखेंगे तो ये खुद ब खुद जो है ऑफ हो जाएगा तो ये थ्री हार्स का जनाब ये टॉक टाइम भी दे रहे हैं इसके ऊपर इन्होंने बताया है ये जो बी वर्जन होता है इसका बेसिक मसला ये होता है अब जैसे मैं अगर बाजार में हूं और आपका फोन मैं सुन रहा हूं तो आपको जो है मेरी आवाज आएगी बाहर की आवाज आपको नहीं आएगी लाइटिंग लाइटिंग इनपुट आपको बता दिया है प्ले एंड टॉक टाइम थ्री टच है, है जब आप इसको यहां से टच करेंगे ठीक है ये नजर आ रहा है आपको इनका टच है तो ये खुद ब खुद डिसकनेक्ट हो जाता है वहां से ऑफ हो जाता है और जब आप इसको में लगाएंगे तो ये खुद ब खुद वापस रिकनेक्ट हो जाता है इन्होंने ट्वेंटी फोर हंड्रेड की ये ऑफर लगाई थी मैंने जो इनसे मंगवाया है आर्मी वालों से तो उन्होंने मुझे सत्रह सौ पचास रुपए का ये दिया है तो इनशाला एक दो दिन तक मैं इसका रिजल्ट भी आपको बताऊंगा कि कैसा इसका जो है रिजल्ट है शक्ल में तो बड़ा प्यारा लग रहा है जबरदस्त है और अभी उसको यूज करके देखेंगे तो आपको इनशाला मजीद भी इस पर रिव्यू करके देंगे थैंक यू सो मच